हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावन आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, और खुदावन आपने हमारे बच्चों को, आपने मेरे घर को, परिवार को और मेरे जीवन को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर को हम समर्पण करेंगे कि जीवन क्या करेंगे, हम अपना जीवन आज समर्पण करेंगे कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करने में पाए। हालेलुया, क्योंकि आज हम अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार समर्पित करेंगे और स्वयं को यीशु मसीह के नाम से अर्पित कर देना, क्योंकि आज हमारे जीवन में परमेश्वर वो काम करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की रुकावटें हैं, कामों में बाधाएं आती हैं, नौकरी में, जॉब में, अनेक प्रकार की समस्याओं में, तो खुदा हमें आशीषित करने वाला वो खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि परमेश्वर वो सच्चा खुदा है और वो प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हम आज जिससे प्रेम करने वाले हैं, खुदा वो हमें आशीष देता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमारे जीवन को मजबूत करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि आज हमारे जीवन में बहुत सारे घरों में आज अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे बच्चे के जीवन को लेकर के आज बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास करो, मैं तेरी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। जो आज तुझे चाहिए और जो तुझे जरूरत है वो मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, क्योंकि हम ये जानते हैं कि खुदा हमारे जीवन में काम करता है। आप जानते होंगे इब्राहिम के जीवन की घटना को बारे में। जब आप इब्राहिम के जीवन के बारे में जानते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब उसके जिंदगी में हर एक पहलू को मजबूत कर सकता हूं, तो आज हमारी जीवन में क्यों नहीं। हालेलुया, आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्यों नहीं काम करेगा। आप आयुब के जीवन को देखिए, आयुब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसे था कि मरने पर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका जैसे नहीं उससे चार गुना ज्यादा बढ़ा करके दिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसी तरीके हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मेरा जीवन जो व्यक्तिगत है, हमें समर्पण करना चाहिए। चार उपदेशों के द्वारा जिस तरीके में बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमको समझना है कि कैसे परिणाम स्वरूप हमें हुआ है, और जो कि इब्राहिम के चार समर्पणों का अधिकार और आधारित थे। जैसे हम जानते हैं कि अपने देश और अपने पिता के घर को छोड़ दें, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, आप अपने घर को मत छोड़िए। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा अपने देश, अपने पिता के घर को छोड़ दे। उत्पत्ति 12:1 में लिखा हुआ है। ये उस समय की बात है जब संसार में बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था। जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ चुका था, नूह के पहले की घटना है, तो इन बातों को हमें याद रखना है, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन हो चुकी थी कि हर एक व्यक्ति इतना पाप करता था। एक घर में यदि 5 व्यक्ति है तो 5 के 5 पापों ही पाप करते थे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उनका अंत किया। लेकिन वहीं से निकल करके नूह आता है, उसके परिवार को परमेश्वर ने बचाया। आज खुदा आपके जीवन में हर एक घटी कमी को पूरा करेगा, यदि आज उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसके हर एक कहा हुआ मानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, इसीलिए लूत, और जिस तरीके से लूत के बारे में आप जानते होंगे, लूत ने भी अपना जीवन समर्पण कर दिया था। किसे? परमेश्वर को। लूत से अलग हो जाना, उत्पत्ति 13:9 में यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जिस तरीके से हम पुराने नियम को देखते हैं, पुराने नियम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा पाप करते थे। क्या करते थे? पाप करते थे। लूत ने भी बहुत बड़ा पाप किया था, हाजिरा और इस्माइल और निकाल दिया था, इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा मतलब पाप किया था। इसहाक, बलिदान, ये सब बातें जब आप जानते होंगे, पढ़े होंगे पुराने नियम को, तो आप सब इनको जब इनके जीवन के बारे में देखेंगे, तो इन्होंने क्या किया? समर्पण किया। समर्पण में दो कार्य बहुत जरूरी होता है, यदि आज हम अपने जीवन को करना चाहें तो। पहली बात, अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना मसीह की महिमा के लिए।
हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने आपके लिए कहा है ये दो ही काम आपको करने हैं। पहले तो चार थे लेकिन यीशु मसीह आने के बाद कहा कि आप दो ही काम करिए। क्या करिए? परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा को परमेश्वर को समर्पित कर देना, स्वयं को यीशु मसीह को अर्पित कर देना यीशु मसीह की महिमा के लिए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत सारी बाधाएं नहीं डाली, यहाँ पे बहुत बड़े 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 काम नहीं दिए आपको। केवल परमेश्वर ने कहा अपनी इच्छा मुझे दे दे। तो जो संसार में भटकता है, जो संसार में खटता है, अनेक प्रकार की बातें तेरी जीवन में होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरी जिंदगी में हैं, अनेक प्रकार की तेरे बेटे के जीवन में प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की समस्याएं तेरे घर में हैं, तो खुदावंत का वचन क्या कहता है कि तू अपनी इच्छा मुझे दे दे। जो तेरी इच्छा होगी मैं उसे पूरा करूंगा। लेकिन जब तू अपनी इच्छा स्वयं की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के पास हम अर्पित कर देते हैं तो खुदा हमारे जीवन में काम करता है। एक और बात याद रखना, परमेश्वर का कार्य है जब वह उस बलिदान को स्वीकार करता है जो मैं उसे चढ़ाता हूँ। याजक या स्वयं अपने को अर्पित नहीं करते थे। ये बात हमें याद रखना है, पुराने नियम की बात है। क्या करना है? इस बात को भी याद करना है। हमें क्या समर्पित करना है परमेश्वर को और क्या चढ़ावा हमें चढ़ाना है, क्या बलिदान चढ़ाना है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बकरा आपको नहीं चढ़ाना है, भेड़ बकरे आपको नहीं चढ़ाने हैं, किसी इंसान की बलि नहीं देना है। परमेश्वर ने सब कुछ मना कर दिया। नए नियम के अनुसार परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह मैंने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। आपको हर एक मसीह भाई बहनों को बचाने के लिए परमेश्वर पहले बलिदान लिया करता था लेकिन उसके बाद अपने बेटे को बलिदान कर दिया। हालेलुया। तो यहाँ पर बलिदान के हर प्रकार का चढ़ावा समाप्त कर दिया क्योंकि आज हमें केवल परमेश्वर को धन्यवाद करना है। आज हमें चढ़ावा चढ़ाना है, आज हमें बलिदान चढ़ाना है। तो यीशु मसीह को स्वीकार करो और उसे ग्रहण करो और उसे डट करके मुकाबला करके शैतान से कहो कि शैतान मेरी जिंदगी से निकल, मेरे बेटे के जीवन से, मेरे जॉब से, मेरे घर से, मेरी नौकरी से, मेरी पढ़ाई से, मेरे खेती से, मेरी हर एक चीजों से, मेरे पैसों से, मेरी नौकरी से, मेरे वीजा से, मेरे हर प्रकार के पासपोर्ट आपके नहीं बन रहे तो खुदा आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस तरीके से याजक नहीं चढ़ाते थे, याजक स्वयं को अपने आप को समर्पित कभी नहीं किया करते थे, मात्र हारून और उसके पुत्र अपने आप को सौंप देते थे। समर्पण में स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करना निहित है। निहित का मतलब जरूरी है। जैसे आप पढ़ सकते हैं मीका अध्याय 4:13 में लिखा है, इससे परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं। परमेश्वर के लिए अलग अलग निहित हैं। गिनती के पुस्तक अध्याय 6:12 में भी परमेश्वर ने कहा इसमें भरा जाना निहित है। परमेश्वर ने कहा और निर्गमन की पुस्तक में आज आप पढ़ सकते हैं 29:33 में परमेश्वर ने वहां पे कहा था, वहां पे परमेश्वर ने कहा आत्मा से भरा जाना, इसमें परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाना भी निहित जरूरी है। और ये भी वचन आप पढ़ सकते हैं निर्गमन पुस्तक अध्याय 28:3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमको कहता है कि तुम अपने आप को समर्पित कर दो। क्योंकि पहले के समय में लोग अपने आप को अर्पित नहीं करते थे, भेड़ा बकरे अनेक प्रकार के जानवर अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। क्या करते थे? अनेक प्रकार के बलिदान को चढ़ाते थे। लेकिन आज हमें क्या चढ़ाने की आवश्यकता है? नहीं, हमें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और पुराने नियम में जो याजक हुआ करते थे वो अपने आप को कभी समर्पित नहीं किया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर जो आज हमने पाप किया, आप आज हमने अपराध किया, गुनाह किया, जो भी किया उसका बलिदान हम परमेश्वर को चढ़ा देंगे तो परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब यीशु मसीह आया तो उसके बाद सारा सब कुछ बंद हो गया क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है, अपने बेटे का बलिदान चढ़ाया है, अब उसके नाम से तुम प्रार्थना करो और तुम्हारी जिंदगी में वो हर एक घटी और कमी पूरा होगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। किसको हम समर्पित कर सकते हैं और किसको किया जा सकता है? जिन्होंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया है वे समर्पण के योग्य हैं।
हो सकते हैं। वे जो परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, उनको स्वयं को समर्पित करने के लिए आमंत्रित किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा क्या किया गया है? आमंत्रण दिया गया है, निमंत्रण दिया गया है कि आओ संसार के पापियों, संसार के लोगों, तुम आओ परमेश्वर के पास आ जाओ और वो तेरे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करेगा। ये हमारा परमेश्वर बुलाता है, वो आमंत्रित करता है कि आओ संसार के पापियों, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। अब कोई परमेश्वर तुम्हारा बलिदान नहीं लेगा क्योंकि मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। तो खुदा आज हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तो आज हम क्यों ना, जब परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 12:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि परमेश्वर की दया हमें बाध्य होकर के या अधिकार के अंतर्गत आने की आज्ञा नहीं दी गई है, परंतु परमेश्वर की दया के द्वारा बुलाया गया है, हमारा समर्पण भय द्वारा नहीं परंतु प्रेम और करुणा, और उसका उकसाया गया परमेश्वर की कुछ करुणाएं हम पर दया करती है, हम पर आशीष देती है, हमें बरकत देती है। परमेश्वर ने कहा यहाँ पर किसी प्रकार की दया के बुलाया गया और किसी डर या भय के द्वारा आपको समर्पण नहीं करना है, आपको प्रेम से समर्पण करना है, अपने दिल से, खुशी मन से और खुशे विचार से अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के पिता के पास जाना है, कहना है कि पिता मैं जानता हूँ कि आपने संसार के लोगों से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया और मुझसे भी प्रेम किया क्योंकि मैं भी संसार में रहता हूँ। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमें सिर्फ दो ही काम करने हैं, हमें परमेश्वर के पास लौट करके आना है, अपनी इच्छाओं को लेकर के और अपनी जरूरतों को लेकर के हमें समर्पण करना है कि खुदा हमें आशीष दे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और अंत तक आपको प्रार्थना करना है। यदि आज आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया। हालेलुया। धन्यवाद। पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आए, आपको बरकत देने के लिए आए, आपके जीवन की देख रेख और रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने, तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज जो आज हर प्रकार की समस्या है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को, जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज वो डिप्रेशन
डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली समस्या के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली समस्या के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में है, जो देशों में है, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में है, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा उन्हें छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छो आज इसके बच्चे को, छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छो, इसके घर को छो, इसके जीवन को छो, इसके बीमारियों को छो, इसके तकलीफों को छो, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है, इसके शरीर में बीमारियां इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आज पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में, इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से निकल, फायर, इस मसीह के नाम से निकल, इस मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली, इस मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली, इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी, इस मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए अपने बीमारियों जगह पर, हाथ रखिए जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए इस मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने वाला है इस मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके कहिए इस मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए इस मसीह के नाम से, आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखी इस मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए इस मसीह के नाम से, आज अपने घरों से निकालिए इस मसीह के नाम से, और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही इस मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय में देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंधी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से, वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो, यीशु मसीह के नाम से आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूँ, तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा, आपके पास क्यों आएगा। वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी, वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो, किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसे किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकाल लिया अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं इस मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है इस मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। इस मसीह ने कहा है
जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, 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 यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जुल्लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए, कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से, आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है, आज आपके हर काम सफल होंगे, जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा, आपके बीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी, आपके हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से, उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छोपिता परमेश्वर, छोपिता परमेश्वर, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है, पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं है, इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं, मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा, तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे, आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे, आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए, और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, मदद यही है आपकी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं, उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है मैं नहीं भेज सकता हूं, जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है, आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है, आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपके परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।